नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहां से हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर 15 को छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। मैंने वहां पे आपको किसके बारे में बताया था, कॉनकेव जो आपकी एक टॉर्च होती है, टॉर्च में जहां पे बल्ब होता है, बल्ब के पीछे की जो सरफेस होती है वो एक्चुअली में कॉनकेव सरफेस होती है, कॉनकेव मिरर टाइप का वहां पे शेप होता है। क्यों होता है देखिए, इसको यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको रे डायग्राम मिल रहा है एक फ्लैश लाइट का, और आप ये जो मिरर आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक वाला जो कर्व में दिख रहा है आपको, इसको आप समझ लीजिए कि ये है आपका जो टॉर्च होती है। टॉर्च पे जहां पे बल्ब जलता है तो वो जो कर्व्ड सा हिस्सा होता है ये वो है, और ये जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में जहां से सारी रेस निकल रही है इस मिरर की तरफ, ये जो एफ है यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ होता है। इस बल्ब से इमेजेस निकलती हैं, इस मिरर को हिट करती हैं और फिर एक दूसरे के पैरेलल होके एक फ्लैश लाइट के फॉर्म में ग्लास टॉर्च के ग्लास के बल्ब से बाहर आती है। तो ये तरीका होता है कि टॉर्चेस कैसे काम करती है। टॉर्च में अंदर का जहां से लाइट आती है वो जो सरफेस है वो कर्व्ड है, किसके शेप में, कॉनकेव मिरर की शेप में, वो एक्चुअली में कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा होता है आपका बल्ब, और बल्ब से निकली वाली लाइट इस तरीके से पैरेलल होकर बाहर निकलती है फोकस में। तो ये एक और प्रयोग था आपका कॉनकेव मिरर का। अच्छा, कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इफेक्ट देता है, बट जब मैंने बोला कि एक कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास का इफेक्ट देता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, ये जो कॉनकेव मिरर है इसको आपने अंदर डाला, दांत के सामने लेके गए और दांत की इमेजेस कॉनकेव मिरर में आ गई, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है रियल में वो एक्चुअली में एक लेंस का बना हुआ होता है। यहां पे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है। देखिए, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप किसी भी टेक्स्ट को देख रहे हो तो वो टेक्स्ट आपको जूम करके नजर आ रहा है, तो ये लेंस है जिससे लाइट आर पार पास हो रही है, लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था ये मिरर था। ओके, तो कॉनकेव मिरर जब पास में लेके जाएंगे तो बड़ी मैग्नीफाइड इमेज देगा, तो मैग्नीफाइड ग्लास का इफेक्ट दे रहा है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए आप? तो हमने पिछली बार कॉनकेव मिरर तक की हमने बात कर ली थी। अब हमें किस चीज की बात करनी भाई? अब हमें बात करनी है कॉन्वेक्स मिरर की। यहां पे आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो 15.7 में आपने एक्टिविटी की थी कि आपने कैंडल को कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर, फिर 40 सेंटीमीटर दूर, फिर 30 सेंटीमीटर दूर, और आपने एक बड़ा सा टेबल भरा था, वही एक्टिविटी यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी करनी है। बस मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ फ्रेंड्स होने क्या वाला है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स में आपको एक रियल इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है? एक लाइन में बताऊंगा, ये बहुत हायर क्लास की बात है बट यहां पे बोल रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको रियल इमेज तब मिल सकती है जब जिस ऑब्जेक्ट की आप इमेज देख रहे हो वो वर्चुअल है। यहां पे मैंने आपको बिल्कुल फिजिक्स बता दी है इस चीज की। किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की, जैसे सामने आपको एक कैंडल रख रहे हो, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है सामने, इसकी आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी कॉन्वेक्स मिरर में, इसकी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी जो यहाँ पे शीशे में नजर आ रही है 15.19 फिगर में। अगर आपको ये जानना है सवाल का जवाब कि क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज दे सकता है, तो बिल्कुल वो रियल इमेज दे सकता है, लेकिन वो रियल इमेज केवल एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की देगा, और उसको एक बहुत ही ट्रिकी डायग्रामेटिक प्रोसेस से समझा जाता है जो हायर क्लासेस में आपको जानने को मिलेगा, या जब आप फिजिक्स के कंसेप्ट में घुसेंगे तब आपको समझने को मिलेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, जब आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने जाएंगे आपको इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, आपको इमेज हमेशा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल मिलेगी, इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल, फिर इमेज विल बी अरेक्ट और इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज। प्लेन मिरर के सामने जा रहे थे तो क्या हो रहा था फ्रेंड्स, आपकी इमेज ऑलमोस्ट आपके साइज जितनी मिल रही थी। जब आप कॉनकेव मिरर के सामने जाएंगे, अब यहां पे देखिए, कॉनकेव मिरर की इमेज हम यहां पे शीट पे देख रहे हैं, अगर आप इस जगह पे खड़े होके इस कॉनकेव मिरर की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरीके की इमेज दिखाई पड़ेगी, समझ गया ना फ्रेंड, इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ेगी। ओके, हम जो यहाँ पे कैंडल की इस तरफ, इस जगह पे हम जो खड़े होकर देखेंगे वही इमेज इस शीट पे यहाँ पे बन रही है, हम जो इस जगह पे खड़े होकर देखेंगे वही इमेज इस स्क्रीन पे यहाँ पे बन रही है। ओके, तो जब आप एक कॉनकेव मिरर के सामने खड़े होगे, जब आप उससे दूर खड़े होगे तो आपको अपनी इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी, जब आप उसके पास जाओगे तो आपको इन्वर्टेड इमेज बड़ी होती जाएगी, पर एक टाइम के बाद जब आप उससे पास चले जाओगे, उसके फोकल पॉइंट के अंदर चले जाओगे, तो आपकी इमेज अपराइट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी, जो मैंने बोला था ना मैग्नीफाइंग ग्लास वाला इफेक्ट आ जाता है। तो ये फर्क होता है। तो जब हमने बात की किसकी, जब हमने बात की कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर वर्चुअल हो, जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज एक स्क्रीन पे नहीं बनेगी, चाहे आप बना के देख लीजिए,
प्लस इसमें जो आपको इमेज बनती नजर आ रही है वो छोटी है, स्मॉल है और इरेक्ट है। तो अपराइट इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल नहीं है और छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इस चीज का एप्लीकेशन हमको कहां दिखता है? इस चीज का एप्लीकेशन हमको रोजमर्रा की डेट में अपनी गाड़ियों में दिखता है फ्रेंड्स। ये साइड व्यू रिमर है, यहां पे देखिए साफ साफ ये दिख रहा है आपको कि पीछे की जो गाड़ियां हैं वो जितनी बड़ी हैं उससे छोटी छोटी इमेजेस नजर आ रही हैं। और ये जो गाड़ी है फ्रेंड्स आपको यहां पे जो दिख रही है, ये आपको इस इमेज में, इस मिरर में जरूर दूर नजर आ रही है, बट एक्चुअली में ये जो गाड़ी है वो इस गाड़ी के पास है काफी। बट इस फिगर में आपको देख के लग रहा है कि ये जो गाड़ी है काफी दूर है, बट उतनी दूर है नहीं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो साइड व्यू मिरर होता है, जो पीछे की चीजें दिखाता है, वो एक बहुत वाइड एरिया की चीजों को अपने में कैप्चर कर लेता है, ताकि जो गाड़ी चला रहा है उसको ठीक तरीके से चीजें नजर आ जाए। और ये जो रियर साइड व्यू मिरर होते हैं ना गाड़ियों में, बाइक्स में, स्कूटी में, ट्रक्स में, ये एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो दे आर बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर का हमने एप्लीकेशन देखा है फ्रेंड्स। ओके, आपको किस किस तरीके की मिरर में किस किस तरीके की इमेज मिलेगी वो मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे कि भैया लेंसेस किस तरीके की इमेज बनाते हैं। आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस को देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एक तरीके के लेंस है। कौन से लेंस है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग आप किस लिए कहते हो भाई? छोटी छोटी चीजों को आप बड़ा करके देख सको। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एनसीईआरटी है, अगर किसी पर्सन को इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी टेक्स्ट के पास ले जाके उस टेक्स्ट को बड़ा करके देख सकता है। तो ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको थोड़ी देर में समझते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स और अर्थवॉर्म के बॉडी पार्ट्स आपने अपनी बायोलॉजी लैब में इसी लेंस के थ्रू देखे होंगे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है। दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। और लेंसेज का प्रयोग बहुत जगह होता है। आपके चश्मे में लेंसेज लगे होते हैं, आपके माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे होते हैं, आपके टेलीस्कोप में लेंसेज लगे होते हैं। कि आप कुछ और चीजें बता सकते हैं जहां पे लेंसेज यूज होते हैं? तो भाई आज की डेट में फोटोग्राफी का जमाना चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, तो भैया डीएसएलआर लोग इस्तेमाल करते हैं। डीएसएलआर आप कहीं दूर जगह घूमने जाते हैं, बोलते हैं डीएसएलआर होता तो मजा आ जाता। क्या डीएसएलआर में लेंसेज का प्रयोग होता है? होता है। तो किस तरीके का प्रयोग होता है? बड़े ही एफिशिएंट और महंगे लेंसेज लगे होते हैं। क्या खासियत होती है उन लेंसेज की? आप जाके पता करिए, ढूंढने की कोशिश करिए। फिर जब आप अलग अलग लेंसेज को अपने हाथ में लेके छूओगे ना, तो उससे ही आपको उनके बीच का फर्क नजर आने लगेगा। अभी के लिए फिलहाल दो तरीके के लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फिगर को देख के आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स, इस फिगर को देख के पता चल रहा है कि भाई ये मिडिल में मोटे होंगे और एजेस पे पतले होंगे, तो ये हो जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। मिडिल में मोटे, एजेस पे पतले। कॉन्केव लेंस में क्या होगा कि मिडिल में पतले, एजेस पे मोटे। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बीच का फर्क। आप कैसे पता करोगे कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस कॉन्केव है? उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था किसी भी तरीके के मिरर के थ्रू आप सन को अपने ऊपर मत लाइएगा, किसी तरीके के लेंस के थ्रू आप सन को देखने की कोशिश मत करिएगा। अब देखिए मिरर की एक साइड तो हमेशा भाई आपकी ओपेक होती है, उसके चारों तरफ दिखता नहीं। तो मिरर से सन के रिफ्लेक्शन को लेके कभी भी अपने चेहरे पे इमेज मत बनाइएगा, पहली चीज। और लेंसेज में खासकर कॉन्वेक्स लेंसेज, ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं ना आपके, इन कॉन्वेक्स लेंसेज का प्रयोग करके कभी भी आप सन की तरफ मत देखिएगा। कॉन्केव लेंसेज से आप एक बार को देख सकते हैं, बट कॉन्वेक्स लेंसेज से तो बिल्कुल ही मत देखिएगा। आप कॉन्वेक्स लेंसेज से बिल्कुल मत देखिए, इस बात को क्यों मना किया गया है अभी देखते हैं। इस एक्टिविटी 15.9 पे जाने से पहले यहां पे आपको एक छोटा सा नोट दे रखा है 15.24, उसको देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की एक खास बात होती है कि जो लाइट उस पर पड़ रही होती है वो उसको कन्वर्ज कर देता है, अंदर की तरफ मोड़ देता है, एक पॉइंट पे ले जाके उसको फोकस कर देता है। जैसे कि ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस में लाइट पड़ रही है और फाइनली इसने लाइट को लेकर एक पॉइंट पे फोकस कर दिया। वहीं पे जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट्स को डाइवर्ज कर रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट पड़ रही है, वो लाइट को इधर उधर डायरेक्शन में फंसा रहा है, तो किसी जगह पे फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आया कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का फर्क। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल रहा है, और कॉनकेव क्या कर रहा है, उसको आउटवर्ड बेंड कर दे रहा है। तो जो आपका कॉनकेव लेंस है इसको बोला जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको बोला जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस आप समझ में आ गया। अब एक्टिविटी 15.9 पे आते हैं। 15.9 में आपने कन्वेक्स लेंस लिया, यानी कि आपने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया है, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हो। अब आप यहां समझ जाइए कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किस तरीके के लेंस का प्रयोग होगा। तो भैया वहां पे आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग। इसको आप संदेश के पाथ में रखिए, सामने एक शीट ऑफ पेपर रखिए, जैसा कि यहां 15.23 फिगर में दिखा रखा है।
अब आप एक काम करिए, इसके ऊपर सन की रेस पड़ रही है और उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करिए कि यहाँ पे एक तरीके का सन की जो इमेज है छोटी सी वो यहाँ पे बन जाए, ये एक ब्राइट स्पॉट होगा। क्या होगा कि जो पूरा लेंस होगा ना, वो जितनी भी सन की रेज लेंस पे पड़ रही होंगी उसको कन्वर्ज करके एक जगह मारेगा, और इस पोजीशन में अगर आप इस लेंस को रखेंगे तो थोड़ी बार देखेंगे कि पेपर बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। वहीं पे अगर इस कॉन्वेक्स लेंस की जगह आप कनकेव लेंस को रखो, तो यहां पे मैंने आपको समझाया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस था तो सन की रेज को सीधे एक पॉइंट पे फोकस मार रहा था, उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया, पेपर जलने लगा। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस उसकी रेज को उस शीट ऑफ पेपर पर फैला देगा, तो किसी एक जगह पे वो सारी सनरेज नहीं पड़ेंगी, इसलिए टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा कि वो पेपर जलने लगे। तो ये फर्क होता है आपका कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। कन्वेक्स डाइवर्ज करके सारी रेज को एक जगह डाल रहा है, ठीक है, फोकस कर रहा है, और डाइवर्जिंग लेंस उसको भाई फैला दे रहा है इधर उधर, यानी कॉनकेव लेंस उसको इधर उधर फैला दे रहा है। ओके, अब देखिए, वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज। देखिए मिरर के केस में भाई, प्लेन मिरर के केस में आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मैंने ऐसे समझाया कि आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब हम लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस की। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं 15.10 एक्टिविटी में। जिस तरीके से आपने कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड में लगाया था, उसी तरीके से एक स्टैंड में कॉन्वेक्स लेंस को लगाइए। अगर स्टैंड ना समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए फ्रेंड्स। आप जब फिजिक्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे, इस तरीके के बड़े सारे स्टैंड आपको मिल जाते हैं अपनी लेबोरेटरीज में। तो आप एक स्टैंड में इस कॉन्वेक्स लेंस को लगाइए और इस कन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कैंडल को जला के रखिए, बिल्कुल वही जो हमने पहले किया था। यहां देखते हैं सीधे सीधे, ये आपने स्टैंड पे इस कॉन्वेक्स लेंस को लगा दिया है फ्रेंड्स, उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने कैंडल रखा है। बस फर्क ये है कि अब आपने इस लेंस के दूसरी तरफ पे रखा है, पहले इस लेंस के इधर ही था, अब ऑब्वियसली बात है इस लेंस के दूसरी तरफ रखोगे स्क्रीन को, क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट है ना दोस्तों। पहले तो मिरर था और मिरर की एक साइड होती है ओपेक, तो जब एक साइड ओपेक होती है तो मिरर से जो भी इमेज मिलेगी वो मिरर की डायरेक्शन में बनेगी, जिस तरफ मिरर पॉइंट कर रहा है। तो अगर तो ये मिरर होता, अगर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे ये मिरर होता, पीछे ब्लैंक होता, तो जो आपकी स्क्रीन थी वो इस तरफ कहीं पे होती। ओके, बट अब चूंकि ये जो कॉनकेव, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये चूंकि आपका ट्रांसपेरेंट है, तो आपने कैंडल को और जो स्क्रीन को अपोजिट डायरेक्शन में रख रखा है। ओके, तो अब देखिए इसकी इमेज यहां पे कैसी बनती नजर आ रही, इन्वर्टेड बनती नजर आ रही है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज ऐसी बन रही है। अब आप क्या करिए, अच्छा ठीक है, आपने कैंडल को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। उसके बाद इस ये जो स्क्रीन पीछे रखी है ना वाइट रंग की, इसको आपको पोजीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके की इमेज पाने के लिए। अब आप एक काम करो, इस कॉन्वेक्स लेंस और इस कैंडल के बीच की लेंथ को घटाओ। तो यहां पे देखिए काफी पास आ गए, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। इस केस में जब आप स्क्रीन को एडजस्ट करोगे तो इमेज कुछ इस टाइप की मिलेगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स यहां पे दोस्तों, कि अगर आप यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े होके इस कैंडल को देख रहे हो, तो इमेज आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी। और अगर आप यहां कहीं खड़े हो इस स्क्रीन के बीच में और इस कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, और आप इस तरफ इस कैंडल की तरफ देख रहे हो, तो आपको इमेज ये छोटी इमेज नजर आएगी, जो कि कहां दिख रही है, जो कि यहां दिख रही है, जो कि इस जगह पे दिख रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप डिस्टेंस घटा रहे हैं ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में, यानी कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट यहां पे एक कैंडल है, वैसे वैसे जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता जा रहा है, बट इमेज इन्वर्टेड है। यहां पे भी जो इमेज दिख रही है आपको इन्वर्टेड है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रही है वो क्या है, वो इन्वर्टेड है। ठीक है, अब क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ऐसी इमेज बनाएगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इस लेंस को एक लिमिट से ज्यादा, इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को एक लिमिट से ज्यादा आप इस कैंडल के पास ले आओ और फिर इधर से देखो। फिर जब आप इधर से देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसा 15.26 में है। यहां पे आपको जो इमेज इसकी नजर आ रही है कैंडल की, वो इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट नजर आ रही। क्यों? क्योंकि अब ये जो कैंडल है और ये वाला जो मिरर है आपका, ये जो आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ की कम की डिस्टेंस पर रखी हुई है कैंडल। तो अब आप जब इस कॉन्वेक्स लेंस की तरफ देख रहे हैं, तो जो इमेज है कैंडल की वो इन्वर्टेड नहीं है। नाउ इट इज नॉट इन्वर्टेड, इनफैक्ट इट इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइंग इफेक्ट दे रहा है।
और बेसिकली इसी कंसेप्ट से आप क्या बनाते हैं, इसी कंसेप्ट से आप बनाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का अच्छा खासा प्रयोग होता है दोस्तों। तो इस पोजीशन में, इन दो पोजीशंस में, इस पोजीशन बी में जब आप इस तरफ से देख रहे थे इस कैंडल की तरफ, तो आपको जो इमेज नजर आ रही थी इन्वर्टेड नजर आ रही थी। जब यहां से देख रहे थे तब भी इमेज इन्वर्टेड नजर आ रही थी। मान लीजिए बहुत पास आप ले आते हो इस कॉन्वेक्स लेंस को इस कैंडल की, तब जब आप देखोगे तो इन्वर्टेड ना नजर आके कुछ इस तरीके की नजर आएगी, अपराइट नजर आएगी, चूंकि अब आप उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से भी अंदर आ चुके हो। वही सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले कॉनकेव मिरर में बताया था, बस अब आप लेंस के आर पार देख पा रहे हो तो स्क्रीन सामने रख रहे हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस यहां पे किस तरीके से काम कर रहा है, यह चीज आपको समझ में आ गई। और इसी के चलते मैं आपको कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे कॉनकेव लेंस के थ्रू आप कैंडल की तरफ देख रहे हो, कॉनकेव लेंस के थ्रू जब आप कॉन्वेक्स की तरफ देख रहे हो दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा है कि इमेज अपराइट है, ठीक है, इमेज आपकी वर्चुअल है, रियल नहीं है, और इमेज छोटी है, स्मॉलर है, ये कैंडल से बहुत छोटी इसकी इमेज बन रही है। तो ये वो इमेज होती है जो कॉनकेव लेंस से बनती है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। तो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज करस्पॉन्डिंग टू कॉनकेव मिरर एंड दिस कॉनकेव लेंस इज करस्पॉन्डिंग टू कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कैसे करस्पॉन्ड कर रहा है, ये हायर क्लासेस में देखेंगे किस तरीके की इमेजेस बन रही है मिरर्स में, लेंसेज में। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा गला फाड़ फाड़ के समझाया है, नहीं समझ में आया वापस जाके देखिए, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे YouTube में, आप जाके देख लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं सनलाइट वाइट और कलर्ड। अब भाई सनलाइट को तोड़ के उसको अलग अलग उसके कलर के भाग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये चीज हम पकड़ेंगे कैसे, रेनबो से। रेनबो पूरे चांसेस है फ्रेंड्स की आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा होगा, जब बारिश खत्म होती है, ठीक है, और जब सन उतना ज्यादा हाई नहीं है, थोड़ा नीचे है, ठीक है, हाई कब होता है जब बिल्कुल ही दोपहर हो रही है, थोड़ा नीचे है, नहीं शाम आम का वक्त है और बारिश खत्म हुई है, तो उस समय पे आपको रेनबो दिखने के काफी चांसेस होते हैं, कुछ इस तरीके का रेनबो दिखता है। अब ये रेनबो बनता कैसे है, तो भाई सन की लाइट जिसको यहां पे आप व्हाइट लाइट बोलोगे, ये व्हाइट लाइट जब आपके हवा में तैरती हुई ड्रॉपलेट्स इस लाइट को तोड़ेंगी तो ये सात कलर उन लाइट्स में निकल आएंगे। तो आप कह सकते हो कि जो लाइट है सनलाइट है जिसको आप व्हाइट लाइट बोल सकते हो, ये व्हाइट लाइट एक्चुअली सात कलर से मिलकर बनी है। और वो कलर क्या है, वो कलर है आपके विबग्योर, विबग्योर वेवलेंथ के हिसाब से इनका ऑर्डर होता है। विबग्योर सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। आप बी आई बी जी वाई ओ आर से पकड़ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो सनलाइट जिसको हम व्हाइट लाइट ही बोलते हैं, वो भैया सात कलर से मिलके बनी है और ये वो सात कलर्स हैं। अब देखिए एक प्रिज्म का हमने यहां पे एक्सपीरियंस किया, प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू सेवन कलर्स। आप एक काम करिए, एक कंपैरेटिवली डार्क कमरे में किसी एक होल के थ्रू लाइट पास करिए, फिर उस लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करिए और उसके रास्ते में एक व्हाइट रंग का कार्डबोर्ड रख दीजिए, उस व्हाइट रंग के कार्डबोर्ड पर ये सात कलर आपको नजर आएंगे। कुल मिला के चीज इसलिए करी जा रही है कि आप इस चीज को समझ पाए कि भैया जो व्हाइट लाइट है, जो सन लाइट है, वो एक्चुअली में सात कलर से मिलकर बनी है। ये चीज दो जगहों पे आपको और दिखती है, जब आप नहा रहे होते हो या जब आप कपड़े भिगा रहे होते हो, तो जब बहुत ज्यादा झाग बना लेते हैं तो सोप बबल्स बन जाता है, उस सोप बबल्स जब हवा में उड़ेंगे लाइट में, आप उन सोप बबल्स को देखोगे तो चमक रहे होंगे, उसमें अलग अलग कलर के कलर दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली कलर यही होते हैं विबग्योर। फिर सीडी पो देखो आप, ठीक है ना, ये सीडी की जो सरफेस है ना फ्रेंड्स, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सीडी की सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसकी वजह से वो जो सात कलर है विबग्योर वाले, वो भी इसमें आपको डांस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो सोप बबल्स का एग्जाम्पल दिया मैंने और ये कॉम्पैक्ट डिस्क, जो डिस्क की जो सरफेस होती है वो भी लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करती है, जिससे वो सात कलर्स आपको नजर आ जाते हैं। इसलिए आपको ये समझ में आया कि सनलाइट जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो ये सात कलर्स है। ये एक्टिविटी 15.1 वही मैंने बताई प्रिज्म वाली, कि कैसे आप एक अंधेरे कमरे में लाइट को पास करके, प्रिज्म के थ्रू पास करके एक चार्ट पे उन कलर्स को देख सकते हो। फिर यहां पे आपने क्या किया, अब एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ले लिया 10 सेंटीमीटर डायमीटर का, फिर उसके सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करके उसको सात इक्वल इक्वल भागों में बांट दिया और फिर विबग्योर से उसको इस तरीके से कलर कर दिया, या फिर इन कलर्स की पट्टियां उसके ऊपर लगा दी तरीके से, और फिर इस छतरी को आपने बहुत तेजी से घुमाया,
जब आप बहुत तेजी से घुमाओगे तो व्हाइट कलर यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। ये किस चीज को डिनोट करेगा कि इन सात कलर्स को मिला के हमको जो हमारी लाइट का कलर होता है वो मिल जाता है। सिंपल इसका लॉजिक है यहाँ पे। और इसको एक लट्टू होता है ना, टॉप बनाते हैं लट्टू, लट्टू आपकी एक नॉर्मल लट्टू बनाइए, एक इस तरीके का आप सर्कुलर डिस्क लीजिए, सर्कुलर डिस्क में वही सात कलर्स बना दीजिए, उस सर्कुलर डिस्क के बीच में से एक पेंसिल पास करिए और उस पेंसिल को ऊपर से पकड़ के घुमा दीजिए, सारे कलर्स मिलके आपको व्हाइट का कलर दे देंगे। और इससे समझ में आएगा कि जो व्हाइट कलर है भैया वो सात कलरों से मिलके बने हुए हैं। तो बहुत डिटेल में हमने समझा कॉन्केव लेंस का कॉन्सेप्ट, कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। मेन चीज होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच के फर्क को समझना। मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, प्रिज्म, रेनबो, इनके बारे में बात की। प्रिज्म का तो आखिरी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया है। रियर व्यू मिरर जो कि कॉन्वेक्स मिरर होते हैं आपके, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज, ये सब चीजें क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में भैया क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करता है, कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस एज अ मिरर एक्ट कर सकती है। ठीक है, जब एक मिरर आप एक स्क्रीन पे पा लेते हैं तो वो रियल इमेज होती है, जो प्लेन मिरर में आप इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, जो इमेज आपको स्क्रीन पे नहीं मिल सकती वो वर्चुअल इमेज है। सिंपल सी बात यह है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जितनी हमारी तथा है, जितना हमने बाउंड्रीज को अब तक एक्सप्लोर किया है, उस हिसाब से प्लेन इमेज, प्लेन मिरर आपके वर्चुअल इमेज बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा, एक कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है जो रियल इमेज भी बनाएगा और वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है, रियल इमेज बन सकती है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो। हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, बाद में समझेंगे। ये सब मैंने यहाँ पे बोली दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक कॉन्केव मिरर कैन कॉम फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, और जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास आ जाएगा तो फिर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्निफाइड होगी। जो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉल होगी देन द ऑब्जेक्ट। एक कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस काफी हद तक किसकी तरह कार्य कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह। इसके बारे में हमने पहले बात की थी। और व्हाइट लाइट सात कलर से मिलकर बनी होती है। तो ये डिटेल में देखा है फ्रेंड्स, आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई हो। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को मेरी वजह से समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।